फरिंदा सीओ अनुज कुमार सिंह के मोबाइल पर पीएमओ कार्यालय का सचिव बताकर फोन पर धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी और इसके साथी हैं, जिसे जल्द ही शिकंजे में ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को समाधान दिवस के वक्त सीओ अनुज सिंह के मुताबिक एक अज्ञात फोन आता है और बोलता है कि ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करो, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। वहीं जब सीओ अनुज कुमार इस उक्त व्यक्ति से सवाल जवाब किए तो वो जवाब नहीं दे पाया और फोन काट दिया। इसके बाद सीओ का शक बढ़ता गया, फिर सीओ ने उस नंबर की जाँच पड़ताल की और वो नंबर फर्जी निकला। वहीं सीओ ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए फरिंदा कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में पंजीकृत कराया मुकदमा। इस संबंध में सीओ अनुज कुमार ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुरंदरपुर क्षेत्र के प्रकरण को लेकर धमकी भरा फोन आया था। इस मामले में जमाल नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या कुछ कहना है अनुज कुमार सिंह सीओ का, आप भी सुनिए। सर, फोन पर जो आपको धमकी दिया था उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसे आपको पूर्व विदित है कि 2 तारीख को एक पीएमओ के अधिकारी के प्रतिरूपित करते हुए एक व्यक्ति ने फोन किया था, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके संबंध में आज बता रहा है कि आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया है। जो नंबर आया था उसकी जब छानबीन की गई तो ये नंबर जमाल अहमद, ये कुल्ही थाना अंतर्गत कुल्ही थाना क्षेत्र का निवासी है। यहीं पर इसका इसकी लोकेशन पाई गई, जिसके आधार पर ट्रेस करके इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। सर, इसके साथ कितने लोग अभी जो हैं आरोपी हैं जो अभी पकड़े गए? अभी पूछताछ की जा रही है, जिसमें इसने बताया है कि इसने अपने दोस्त के कहने पर ये कृत्य किया है। अभी पूछताछ के बाद फर्दर देखते हैं कौन किसके बाद कौन क्या निकल गया।